हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है वायरस का रेप्लिकेशन, की वायरस रेप्लिकेट करता कैसे है, मीन्स अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करता है, एक वायरस से दूसरे वायरस का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे रेप्लिकेट होता है वायरस। तो ठीक है, तो इसके निम्न पॉइंट हैं कि वायरस कैसे रेप्लिकेट करता। तो वायरस के रेप्लिकेशन के लिए पहले तो होस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पता ही है हमें कि होस्ट के बिना वायरस क्या है, नॉन लिविंग पार्टिकल। तो वायरस के रेप्लिकेशन में पहले क्या होता है, अटैचमेंट, फिर पेनिट्रेशन, फिर अनकोडिंग, फिर बायोसिंथेसिस, फिर असेंबली होगी और फिर मैच्यूरेशन होगा और वायरस रिलीज हो जाएगी। तो इनको एक एक पॉइंट को हम देखते हैं वृत्त चित्र के, एक कैसे क्या होता है। पहला पॉइंट है अटैचमेंट। अटैचमेंट में इन्वॉल्व रिसेप्टर इंट्रैक्शन। तो जो अटैचमेंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम बना है, तो जो होस्ट सेल होती है, होस्ट सेल पर क्या पाए जाते हैं, इसके रिसेप्टर। और जो वायरस होते हैं, वायरस में भी इनकी पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच वायरस और होस्ट सेल के रिसेप्टर्स में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, और क्लियर हो जाता है कि यहाँ एक किसी पर्टिकुलर वायरस का ही होस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि वायरस में एक स्पेसिफिसिटी का कैरेक्टर पाया जाता है, मीन्स एक पर्टिकुलर वायरस पर्टिकुलर होस्ट पर ही क्या करता है, अटैच होता है। तो यहाँ पर कोई वायरस है, उस पर स्पेसिफिक इसके क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर की, रिसेप्टर से जुड़ने के लिए बाइंडिंग साइट पाई जाती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक होस्ट पर ही वायरस क्या होता है, अटैच होता है। तो वायरस है अटैचमेंट साइट, वायरस में क्या होती है, अटैचमेंट के लिए साइट। होस्ट सेल है रिसेप्टर साइट। ये लिखा है, क्या लिखा है कि वायरस में होती है अटैचमेंट साइट, जी क्या है, वायरस में अटैचमेंट साइट है, और होस्ट में क्या है, रिसेप्टर साइट, ठीक है। इस प्रोसेस में वायरस होस्ट सेल पर उपस्थित रिसेप्टर साइट को पहचानता है, और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, यहाँ पर क्या लिखा, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, इसको क्या है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको फेवरेबल, इसको कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर उन अटैचमेंट साइट पर क्या करता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट होता है कि वायरस किसी भी होस्ट सेल पर अटैच कैसे होता है। उसी पॉइंट की एक और लाइन लिखी है कि होस्ट सेल मेम्ब्रेन पर वायरस अटैच, वायरस का क्या होना, अटैच होना। इसके बाद हम देखते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट मतलब उसको अंदर करना या पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन थ्री टाइप से होती है, एक तो फैगोसाइटोसिस, एक मेम्ब्रेन फ्यूजन, तीसरी इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो पहले हम देखेंगे फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस द्वारा, मींस वायरस की इनगल्फिंग बाई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। देखिए डायग्राम में सभी समझ में आएगा, ये वायरस है, ये क्या सेल मेम्ब्रेन है होस्ट की। जैसे ही वायरस आएगा, पहले तो क्या होगी, अटैचमेंट होगी, एक रिसेप्टर, जो वायरस में जो रिसेप्टर, वायरस की जो रिसेप्टर साइट होती हैं, दोनों इंट्रैक्ट करते हैं होस्ट की और वायरस की। इसके बाद क्या होती है, जो होस्ट की मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर क्या होती है, इनगल्फिंग होती है, मींस एक छोटी सी क्या हो जाती है, बैकफिल टाइप की अंदर की ओर धंसने लगती है, इनगल्फिंग होती है। इनगल्फिंग में क्या होता है, फिर वायरस अंदर की ओर चला जाता है, और ये मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है, इस वायरस के चारों ओर रहता है। और इसके बाद ये क्या हो जाती है, अनकोडिंग, इसको आगे देख रहे हैं। पर पहले तो देखते हैं इनगल्फिंग कैसी होती है। तो ऐसी भी होती है एक प्रोसेस में कि वायरस अटैच होगा और उसका इनगल्फिंग होगा, और वायरस क्या होता है, होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। और इसके बाद मेम्ब्रेन फ्यूजन, इसमें क्या होता है, जो वायरस का एनवलप होता है, सेल मेम्ब्रेन से बाइंड व फ्यूज हो जाएगा। इसमें जो वायरस की, सो वायरस का जो एनवलप होता है, वो मेम्ब्रेन से क्या होता है, फ्यूज हो जाएगा व कैप्सिड अंदर चला जाता है। मीन्स जो एनवलप होता है वो तो फ्यूज हो जाएगा व कैप्सिड अंदर चला जाएगा, ठीक है। एक इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यह क्या है, बैक्टीरियोफेजिस है, बैक्टीरिया सेल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसमें ओनली न्यूक्लिक एसिड ही अंदर जाता है। मतलब देखा होगा कि जो वायरस पर, जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं वायरस, बैक्टीरियोफेजेस, उनमें पूरा वायरस का जो पार्ट होता है वो नहीं अंदर जाता, ओनली क्या जाता है, न्यूक्लिक एसिड, मींस जो टेल होते हैं उससे वो अटैच होते हैं, और वो क्या करते हैं, वहाँ से अपनी जो न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं, होस्ट सेल के अंदर क्या कर देते हैं, होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, और वहाँ पर वह होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसको यूटिलाइज करके बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। अभी तो और देखते हैं, मैंने इसको बताया। अब अनकोडिंग देखते हैं। अनकोडिंग में जो वायरल कैप्सिड का रिमूव होना अनकोडिंग कहलाता है। जो वायरल में कैप्सिड पाया जाता है, हमें पता है वायरस का स्ट्रक्चर पड़ा होगा, वायरस का जो कैप्सिड होता है उसको रिमूव होना क्या कहलाता है, अनकोडिंग।
तो होस्ट सेल के जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, होस्ट सेल में हम पता है लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं कैप्सिड को ब्रेक करेंगे, तो जो वायरल कैप्सिड रिलीज हो जाएगा व न्यूक्लिक एसिड रिलीज इन टू द साइटोप्लाज्म। तो जो होस्ट की सेल में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम, एक कैप्सिड को क्या कर देता है ब्रेक कर देता है और इसको क्या कर देता है रिलीज हो जाता है। और जो न्यूक्लिक एसिड है कहाँ पर रिलीज हो जाता है फ्रीली साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरियोफेजेस में दिस प्रोसेस एब्सेंट, क्योंकि हमें पता ही है बैक्टीरियोफेजेस में डायरेक्ट ही न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पेनिट्रेट करता है या उसका जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट करता है। इसके बाद हम देख रहे हैं बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस कैसे होती है। इन दिस स्टेप फॉलोइंग कंपोनेंट सिंथेसाइज, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड प्रोटीन, एंजाइम रिक्वायर फॉर द वेरियस स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। जो बायोसिंथेसिस है इनमें ये क्या होती है, इतनी चीज़ें सिंथेसिस होती हैं कि न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड प्रोटीन, एंजाइम रिक्वायर होते हैं जो वायरल के रेप्लिकेशन में। इसके बाद असेंबली, मतलब अब वायरस के जैसे अलग अलग पार्टिकल बन रहा है तो वो असेंबल कैसे करेंगे, अब जुड़ेंगे वो तभी तो पूरी वो वायरस बनेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इकट्ठा सीधा सीधा वायरस ही डायरेक्ट बन जाता हो, उसके कुछ कुछ पार्ट बनते हैं और वो एक साथ फिर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो असेंबली में इसमें वायरल न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन पैक, ठीक है, पैक टुगेदर टू फॉर्म प्रोजेनी और वायरल प्रोजेनी वायरस में क्या होते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन पैक होंगे, ठीक है, पैक टुगेदर टू फॉर्म प्रोजेनी वायरस और न्यूक्लियोकैप्सिड। अब न्यूक्लियोकैप्सिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किससे बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और प्रोटीन क्या कैप्सिड की बनी होती है तो क्या होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। और डीएनए वायरस असेंबल इन न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डीएनए का वायरस होता है इसका असेंबल्ड कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ पर जुड़ता है न्यूक्लियस में, जुड़ता है न्यूक्लियस में। और जो आरएनए का वायरस होता है वो कहाँ पर असेंबल्ड होता है साइटोप्लाज्म में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना ना भूलें। अब इसके बाद हम देख रहे हैं मैच्यूरेशन, तो यह होस्ट सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन में भी हो सकती है। जो मैच्यूरेशन है वो अलग अलग प्रकार के वायरस में अलग अलग प्रकार से हो सकती है, या होस्ट सेल के न्यूक्लियस में भी हो सकती है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है और मेम्ब्रेन पर भी हो सकती है, क्योंकि मेम्ब्रेन से जब रिलीज होते हैं तो जो आउटर एनवलप बनता है वो हमारे जो होस्ट सेल होता है उसी की मेम्ब्रेन से क्या बनता है आउटर एनवलप बनता है वायरस का। अब लास्ट पॉइंट है रिलीज, अब रिलीज कैसे होंगे वायरस, तो रिलीज ऑफ डॉटर वीरियन अकर, मतलब रिलीज कैसे होता है डॉटर वीरियन, वीरियन का मतलब है ऐसा वायरस पार्टिकल जो होस्ट सेल के बाहर होता है और कैसा होता है नॉन लिविंग फॉर्म में पड़ा रहता है और जो होस्ट सेल को क्या कर सकता है अफेक्ट कर सकता है वो वीरियन कहलाता है, ठीक है। एक प्रकार, यह दो प्रकार हैं लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, या तो होस्ट सेल को मार कर बाहर निकल सकते हैं, उसका लाइसिस उसको तोड़ फोड़ कर निकाल देते हैं, निकल जाते हैं बाहर नॉन एनवलप्ड वायरस जैसे बैक्टीरियोफेजेस में। और ये कौन से वायरस में होता है लाइसिस, किस कौन से वायरस करते हैं जो नॉन एनवलप्ड होते हैं जिनमें एनवलप नहीं पाया जाता और बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। और वी बडिंग थ्रू होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और बडिंग के थ्रू, बडिंग हमें पता है क्या है, बडिंग देखते देखो जैसे ये होस्ट सेल है तो होस्ट सेल में आगे क्या होती है एक बड सी निकल आती है, ऐसे एक बड निकलेगी और आगे ये जाकर ये रिलीज हो जाएगी होस्ट सेल से, ये बडिंग कहलाती है, ठीक है, बडिंग की प्रोसेस द्वारा। तो एनवलप जब बडिंग होती है तो वहाँ से बनता है जो, ठीक है, जो एनवलप बनता है वायरस में जो एनवलप बनता है वायरस में, एनवलप कहाँ से बनता है यहीं से होस्ट सेल की, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से क्या बनती है जो एनवलप होता है वायरस का जो एनवलप होता है जब इसकी बडिंग होती है तभी बनता है। ओके, आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है, तो इसके आप नोट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके मैं डायग्राम को भी बता देता हूँ, इसकी डायग्राम को, ये इसका डायग्राम है, आप देखिएगा, आप पूरे पॉइंट देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा ये डायग्राम, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, पहले एब्जॉर्प्शन, मतलब पहले क्या होता है अटैच होता है, यहाँ पर अटैच होगा, फिर यहाँ पर पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट होगा जो इसकी एनवलप है, इसकी क्या होगी अनकोटिंग हो गई, अनकोटिंग के बाद ही कहाँ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, जो वायरस के बहुत सारे जो पार्टिकल होते हैं जिससे वो बना होता है उसकी क्या होगी सिंथेसिस होती है, प्रोसेसिंग होगी एंड ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर ये क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर गए कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल उसकी कॉपी प्रोटीन बनेगी, जेनेटिक मटेरियल बनेगा, हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगी, साइटोप्लाज्म में प्रोसेसिंग होगी, ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोटीन बनेगी, ठीक है। और फिर से ये जाएंगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में इसकी क्या होगी, असेंबली होगी। आपको समझ में तो आ रहा है, पहले देखिए, फिर से देखते हैं। पहले अटैच हुआ, पेनिट्रेट हुआ, पेनिट्रेट के बाद अनकोटिंग हुई, अनकोटिंग के बाद न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर के इसमें क्या सिंथेसिस हुए, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। और जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल फॉर्म हुआ, इसके बाद ट्रांसलेशन यहाँ पर होगा, प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन जाके फिर से कहाँ पर जाएंगी, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल पहले से यहाँ था, कुछ जो जेनेटिक मटेरियल वो प्रोटीन बनाएंगी और यहाँ पर क्या होगी, सिंथेसिस होगी, फिर से असेंबल करेंगे प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है ये दोनों असेंबल करेंगी और क्या जाएंगी, मेम्ब्रेन की, यहाँ असेंबल हो गए, ये बन गए। और इसके बाद जो बडिंग के थ्रू जब बाहर निकलते हैं तो जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है इससे उसका क्या बन जाता है, बाहर का कैप्सिड या एनवलप बन जाता है और ये क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, इसको रिलीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं।